हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेंस पार्ट 4। और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के तीनों ही पार्ट हम इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के परफेक्ट टेंसेज काफ़ी क्वेश्चंस SSC और बैंकिंग एग्जाम्स में रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं। तो इनको हम डिस्कस करते हैं इस पूरे वीडियो क्लास में। जो करेक्ट सेंटेंसेस हैं उनको मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, और जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं उनको मैंने रेड कलर में लिखा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है? ये टेंस जो है इसमें कोई भी एक्शन को हम प्रेजेंट में बताते हैं। इसमें एक ऐसे काम को हम इंडिकेट करते हैं जो कुछ समय तक चल के ख़त्म हो चुका है और अभी भी चल रहा है। यानी परफेक्ट के थ्रू हम ये बताते हैं कि ये काम कुछ समय तक चल कर समाप्त हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, और कंटिन्यूस के थ्रू हम ये बताते हैं कि ये अभी भी चल रहा है। तो इसमें दो एक्शन हम इनडायरेक्टली बताते हैं। एक तो हम ये बताते हैं कि कुछ समय तक वही एक्शन कुछ समय तक चल कर ख़त्म हो चुका है, और वो एक्शन अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल रनिंग, मतलब ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए, कुछ समय तक चले और अभी अभी भी चल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहां पर आप देखें सेंटेंस, इसके एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने यहां पर। आई हैव बीन लिविंग इन ग्वालियर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मैं ग्वालियर में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं 10 साल ऑलरेडी रह चुका हूँ और अभी भी रह रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमने लगाया है हैव और बीन। हैव का मतलब है कि 10 साल का काम ख़त्म हो चुका है, बीन का मतलब है कि काम अभी भी चल रहा है। आई हैव बीन लिविंग इन ग्वालियर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो इस टेंस में हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। और इसमें हैव बीन और हैज़ बीन चूँकि कंटिन्यूस टेंस हैं, इसलिए इसमें हम ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन ग्वालियर सिंस 2008। देखिए, यहाँ पर चूँकि मैंने ड्यूरेशन बताया है कि 10 साल से मैं रह रहा हूँ, तो 10 साल क्या है? एक अवधि है, टाइम पीरियड है, एक ड्यूरेशन है। तो अवधि के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। लेकिन यदि इसी चीज़ को मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 2008 से ग्वालियर में रह रहा हूँ और अब सपोज 2018 है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। ये इन दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग निकल रहा है वो एक ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने फॉर को यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने सिंस को यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन, मैं आपको एक घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन। तो ये तीनों ही सेंटेंसेस हैं, ग्रीन कलर में लिखे हैं, ये तीनों ही सेंटेंसेस सही सेंटेंसेस हैं। वर्ड्स कॉमनली यूज इन परफेक्ट टेंस, ये जो वर्ड हैं इनको हम कॉमनली यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। सिंस है, फॉर है, फॉर सम टाइम कुछ समय से, या फॉर क्वाइट सम टाइम मतलब काफ़ी समय से, काफ़ी देर से। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम नॉर्मली यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये इसके सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं, एक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बताया है, एक नेगेटिव का बताया है, और एक क्वेश्चन का बताया है। यहाँ पर देखिए, इसमें अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें हैज़ बीन आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद हम वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे V4। V4 का अर्थ है वर्ब की ING फॉर्म। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फॉर और सिंस का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम टाइम फ्रेज को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हैज़ और हैव को हम शुरुआत में लगाते हैं, तो इनका एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए, इनको रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ और हम सेंटेंसेस देखेंगे। ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर 3 आवर्स। ठीक है, ये सही सेंटेंस है, सही सेंटेंस है।
दे हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया है. दे हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर फॉर मॉर्निंग नहीं लगाएंगे हम. और अजय हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग सिंस 6 AM, तो 6 AM क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है. मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है. आवर्स क्या है, 3 आवर्स, एक पीरियड ऑफ टाइम है. तो इस तरीके से ये तीनों ही सेंटेंसेस सही हैं, तीनों ही सेंटेंसेस मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं और तीनों ही सेंटेंसेस ये सही हैं. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे. यू कैन यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विदाउट V4. V4 यानी VING फॉर्म के बिना भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखिए, आई हैव बीन इन मार्केटिंग सिंस 2015, ये सेंटेंस सही है. आई हैव बीन इन मार्केटिंग सिंस 2015, इस सेंटेंस का सेंस ये है कि मैं मार्केटिंग में रहा हूँ 2015 से, मैं 2015 से मार्केटिंग में रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और अभी भी मार्केटिंग में हूँ. मार्केटिंग मतलब यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पर हमें क्या बोलना चाहिए था, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग यहाँ पर होना चाहिए था. आई हैव बीन वर्किंग इन मार्केटिंग सिंस 2015. लेकिन इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि आई हैव बीन इन मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग में हूँ 2015 से. तो इसमें ठीक है, इसमें इन क्या है, एक प्रपोजिशन है और मार्केटिंग क्या है, एक नाउन है, ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम V4 के बिना, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं. आई हैव बीन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कठिन परिस्थितियों में रहा हूँ, ये इस सेंटेंस का मतलब है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सिंस, फॉर और फ्रॉम के बारे में. सिंस हम कहाँ लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन सिंस का प्रयोग हम केवल और केवल परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में ही करते हैं. फॉर का प्रयोग भी हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए केवल परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में करते हैं. दूसरे टेंसेस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं. दूसरे टेंसेस में परफेक्ट टेंस के अलावा पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. देखिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मतलब है कि सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं किस टेंस में, केवल परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में. दूसरे टेंस में हम इसका प्रयोग नहीं करते. फॉर यहाँ पर हम देखते हैं ड्यूरेशन के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, अवधि के लिए, जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, ये होता है ड्यूरेशन. तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं. सिंस का प्रयोग करते हैं हम एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, एक पॉइंट को बताने के लिए जहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ है, उस पॉइंट से कोई काम स्टार्ट हुआ है. फ्रॉम हम बताते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अदर टेंसेस में, दूसरे टेंसेस में. तो ये फॉर, फ्रॉम और फॉर का कॉन्सेप्ट आपको एकदम से क्लियर करना है, क्योंकि इसके बेस पर सेंटेंसेस पूछे जाते हैं. अब यहाँ पर हम देखते हैं इनकरेक्ट सेंटेंसेस. देखिए ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, रेड कलर में लिखे हैं. आई विल स्टार्ट माई वर्क सिंस मंडे. सिंस इसमें नहीं आएगा क्योंकि सिंस का प्रयोग करते हैं हम परफेक्ट टेंसेस में, लेकिन ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये है फ्यूचर टेंस. विल से पता पड़ रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. और आगे हम देखते हैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 ईयर्स. ठीक है, यहाँ पर चूंकि 2 ईयर्स हम बोल रहे हैं और 2 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं करेंगे. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है. यहाँ पर आप देखिए कुछ करेक्ट सेंटेंसेस. आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम मंडे, ये सही है क्योंकि फ्रॉम का प्रयोग किया है हमने फ्यूचर टेंस में. आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के साथ हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया है, यहाँ सिंस का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते. तो ये सेंटेंसेस सही हैं और ऊपर वाले जो रेड कलर के सेंटेंसेस हैं वो गलत हैं. यहाँ पर कुछ और करेक्ट सेंटेंसेस हम देखते हैं. देखिए इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ कब से, सिंस
सिंस आई वॉज इन क्लास 10th, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये सेंटेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पर्टिकुलरली एसएससी एग्जाम के लिए। इस स्ट्रक्चर को आपको अच्छे तरीके से समझना है। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ कब से, सिंस आई वॉज इन क्लास क्लास 10th। यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सपोज मैं क्लास 10th में 1999 में था, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सिंपली सिंस 1999, सिंस 1999। और 1999 में जो एक्शन हो रहा था, 1999 के समय जो सिचुएशन थी, उसको भी मैं यहाँ पर टेंस के फॉर्म में, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1999, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज इन क्लास 10th, क्योंकि 1999 में मैं क्लास 10th में था। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको आप एक एक सेंटेंस के फॉर्म में भी बता सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेज के फॉर्म में भी बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ जब मैं केवल 14 साल का था। आई हैव बीन टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, सिंस मतलब कब से जब मैं 14 साल का था। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम को हमने एक सेंटेंस के रूप में यहाँ पर रख दिया है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है और इसको हमने एक एक सेंटेंस के रूप में यहाँ पर रख दिया है। इस जगह हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी रख सकते हैं, जैसे 1999 से, 2001 से, इस तरीके से, लेकिन उसको हमने यहाँ पर एक सेंटेंस के फॉर्म में रख दिया है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस यू ज्वाइंड दैट कंपनी, इसमें भी वही सेम केस है। सपोज आपने कंपनी ज्वाइन की 2005 में, ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग मतलब मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूँ कब से, 2005 से। अब 2005 में सपोज आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यू ज्वाइन दैट कंपनी उस समय से, जब आपने वो कंपनी ज्वाइन की। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस यू ज्वाइंड दैट कंपनी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तीनों ही सेंटेंसेस करेक्ट सेंटेंसेस हैं, तीनों ही सेंटेंसेस ग्रीन कलर में लिखे हैं और तीनों ही सेंटेंसेस करेक्ट सेंटेंसेस हैं। अब यहां पर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अब आ रहा है आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखिए, हम पास्ट में कोई भी एक्शन को करेंगे, पास्ट में वो काम खत्म हो चुका होगा और खत्म होने के बाद भी चल रहा होगा। जिस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, और सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड बीन का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस से आपको ये समझ में आएगा, ये जो सेंटेंसेस हैं ग्रीन कलर में, ये सही सेंटेंस है, और ये जो सेंटेंसेस हैं ये गलत सेंटेंसेस है, ठीक है। आर गेम ऑफ टेनिस वॉज इंटरप्टेड, हमारा जो टेनिस का गेम चल रहा था वो इंटरप्ट हो गया, वो बीच में रुक गया। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर अबाउट हाफ एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन वेरी हैवीली, जब पास्ट की देखिए इसमें बात हो रही है, वॉज इंटरप्टेड मतलब टेंस की बात हो रही है, और हमारा पास्ट, हमारा जो गेम चल रहा था पास्ट में वो रुक गया, क्योंकि वी हैड बीन प्लेइंग फॉर अबाउट हाफ एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन वेरी हैवीली, जब बारिश शुरू हुई पास्ट टेंस में। तो उससे पहले देखिए, बारिश स्टार्ट हुई पास्ट टेंस में और हम जो खेल रहे थे वो भी पास्ट टेंस में ही खेल रहे थे, लेकिन बारिश स्टार्ट होने से पहले हम आधे घंटे से खेल रहे थे, आधे घंटे से काम चल रहा था, ठीक है, और बारिश स्टार्ट होने के समय भी काम चल रहा था। तो इसको हम पास्ट टू पास्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पास्ट टू पास्ट, कि जिस समय बारिश स्टार्ट हुई पास्ट टेंस में, ठीक है, और बारिश स्टार्ट होने से पहले भी कोई काम चल रहा था लगातार। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इस टेंस में यदि देखिए गलती क्या हो सकती है, देखिए आर गेम ऑफ टेनिस वॉज इंटरप्टेड, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर आ गया, फॉर हम कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं, ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस है। अब यहां पर हैड बीन के स्थान पर यदि आप वर लगा दें, वी के साथ वर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर लगा हुआ है, फॉर इंडिकेट करता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब देखिए ये जो है ये गलत सेंटेंस है। आर गेम ऑफ टेनिस वॉज इंटरप्टेड, वी वर प्लेइंग, देखिए वी वर प्लेइंग इसमें लगाया है, चूंकि इसमें फॉर दिया है
फॉर हम लगाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तो इसलिए इसमें वर्क के स्थान पर हैड बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम देखते हैं। वेन द बॉयज केम इन टू द हाउस देयर क्लोथ्स वर डर्टी, देयर हेयर वॉज अनटाइडी एंड वन ऑफ देम हैड अ ब्लैक आई। मतलब वेन द बॉयज केम इन टू द हाउस, जब सारे लड़के घर में आए तो उनके जो कपड़े थे वो गंदे थे, उनके जो हेयर थे, उनके जो बाल थे वो अनटाइडी थे, और उनमें से एक की आंख पर एक ब्लैक आई था, मतलब एक एक, एक मुक्के का निशान था। इसका मतलब क्या है? दे हैड बीन फाइटिंग, इनका इसका मतलब ये है कि वो लड़ रहे थे घर में आने से पहले। देखिए, घर में घुसने का जो काम है, घर में घुसने का जो एक्शन है, वो पास्ट टाइम है, पास्ट में हुआ है, लेकिन उस पास्ट टाइम से पहले भी वो कुछ कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? दे हैड बीन फाइटिंग, वो आपस में लड़ रहे थे। तो इसलिए ये पास्ट टू पास्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ये पास्ट टू पास्ट, इसी को हम बोलते हैं। तो यहां पर यदि मैं बोल दूं कि दे वर फाइटिंग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आने से पहले वो लड़ रहे थे, तो इसलिए यहां पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ही करेंगे। देखिए, यहां पर यदि आप कंपेयर करें तो यहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हैव बीन डूइंग क्या है और हैड बीन डूइंग क्या है और हैव बीन डूइंग क्या है। हैव बीन डूइंग जो है इसको हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, हैड बीन डूइंग जो है इसको हम यूज करते हैं पास्ट में। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, एक सेंटेंस ये है, ये प्रेजेंट टेंस का है, और एक ये टेंस है, ये है पास्ट टेंस का। आई होप द बस कम्स सून, मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि बस जल्दी से आ जाए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, मैं पिछले 20 मिनट से वेट कर रहा हूं। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यदि आप 12 बजे इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो आप वेट कब से कर रहे हैं? 11:40 से आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। 12 बजे आपने इस सेंटेंस को बोला और आप बोल रहे हैं कि 20 मिनट से आप वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 11:40 से आप बस के आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट टेंस। अब यहां पर देखिए पास्ट टेंस। एट लास्ट द बस केम, बस केम मतलब आखिरकार बस आ ही गई, पास्ट टेंस में आप ये बोल रहे हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में बस आई, केम का मतलब है कि बस जो आई वो पास्ट टेंस में आई, लेकिन उस पास्ट टेंस से पहले आप क्या कर रहे थे? आप वेट कर रहे थे बस के आने का 20 मिनट से, तो इसलिए यहां पर आप बोलेंगे आई हैड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स बिफोर द बस केम। ठीक है, तो यहां पर आप वर नहीं लगाएंगे हैड बीन के स्थान पर, यहां पर आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे। यहां पर आप कंपेयर करिए हैड बीन डूइंग को और वॉज डूइंग को। ठीक है, हैड बीन डूइंग एंड वॉज डूइंग, देखिए इट वॉज नॉट रेनिंग वेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए तो इट वॉज नॉट रेनिंग, द सन वॉज शाइनिंग बट इट हैड बीन रेनिंग सो द ग्राउंड वॉज वेट। जिस समय हम बाहर गए उस समय रेनिंग नहीं हो रही थी, ठीक है, सन वॉज शाइनिंग, सन जो है, सूरज जो है वो चमक रहा था, लेकिन ग्राउंड जो था वो गीला था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे वहां जाने से पहले, हम वहां किस टाइम में गए? पास्ट टाइम में गए, और हमारे वहां जाने से पहले चूंकि ग्राउंड वेट था इसलिए उससे पहले कुछ हो रहा था, उससे पहले क्या हो रहा था? बारिश हो रही थी। तो इन दो सेंटेंसेस की मदद से आप इस टेंस को आसानी से समझ सकते हैं, और इन दोनों में क्या अंतर है, हैड बीन डूइंग एंड वॉज डूइंग, इसको भी आप इन सेंटेंसेस की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। अमन वो सिटिंग इन एन आर्म चेयर वॉचिंग टेलीविजन, अमन जो है वो एक आर्म चेयर में बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। He was tired, ठीक है, वह थका हुआ था, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो थका हुआ था। He was tired because he had been working very hard, क्योंकि उससे पहले वो कड़ी मेहनत करता रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, ये पार्ट आपका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सम वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल नो एंड वॉन्ट आर नॉट यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। नो और वॉन्ट, इन वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, वी वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे, वी हैड नोन ईच अदर फॉर ईयर्स, हम सालों से एक दूसरे को जानते थे। तो यहां पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वी हैड बीन नोइंग ईच अदर फॉर ईयर्स, ये इनकरेक्ट है,
ग्रीन जो ग्रीन वाला सेंटेंस है वो करेक्ट है, और ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इनकरेक्ट, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्शन दैट विल हैव रन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा, फ्यूचर में किसी किसी पर्टिकुलर टाइम पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा। जैसे ये सेंटेंस है, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब इस साल के अंत तक मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा होऊंगा, इस साल के अंत तक मुझे दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस इसका स्पोकन इंग्लिश में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो एक ये सेंटेंस है, और एक ये सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम आई शैल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, अगले साल इस टाइम तक मैं यहाँ पर 5 साल से काम कर रहा होऊंगा। तो ये काफ़ी कम यूज़ होता है रिटन इंग्लिश में भी इस और स्पोकन इंग्लिश में भी, लेकिन कंपिटेटिव एग्जाम्स में इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आई होप ये अच्छे तरीके से पूरे तरीके से समझ में आया होगा, और कोई भी आपका डाउट है या कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर और इन कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। तो ये टेंस का पार्ट 4 है, इसको देखने से पहले जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 उनको भी आप जरूर देखें, और ये सारे सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किए हैं। यदि आप रूल्स को रटते हैं तो रूल्स आपको कभी भी एग्जाम में याद नहीं रहते, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो उसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, और रूल्स को आप भूल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को आप नहीं भूल सकते। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।